इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्रिया का रूप आपको भरना आ जाएगा तो आप क्या शुद्ध क्रिया का रूप भर सकेंगे। निशा हैड नॉट गॉन टू स्कूल यस्टरडे, हालांकि जब आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो यूं आएगा, देखो निशा यूं दिया जाएगा आपको और नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, इस रूप में आपको पूछा जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इस खालिस्तान जो है इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो यहां पर आपको यह देखना चाहिए कि इसके अंत में आ रहा है यस्टरडे, इसके अंत में आ रहा है यस्टरडे, एक शब्द आपको लिख लेना चाहिए वाई ए एल आई, एक एक चीज समझाऊंगा मैं। वाई का मतलब लिखेंगे यस्टरडे, अगर सेंटेंस में यस्टरडे का प्रयोग हुआ है तो उस वाक्य का टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा, अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे शब्द का प्रयोग हुआ है तो उस सेंटेंस का टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा। और आपको यह पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही क्या है, यही जो स्ट्रक्चर है उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखें आप, आपने लिखा निशा हैड नॉट गॉन टू स्कूल यस्टरडे, पर यस्टरडे आ गया इसलिए क्या गलत हो गया, हेड गलत हो गया, शुद्ध बनेगा निशा डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ कभी थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, शुद्ध ये बना है कि निशा डिड, यहां लगाया आपने नॉट और इधर आ जाएगा आपका गो, निशा डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, निशा कल स्कूल नहीं गई, निशा डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे यानी निशा कल स्कूल नहीं गई। तो इस तरीके से आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि अगर सेंटेंस में यस्टरडे आ रहा है उसी तरीके से एक शब्द देखो ए बराबर लिखो ए गो और सेंटेंस